अब भागवत जी में एक ऐसा विषय हम उठाने जा रहे हैं कपिलाष्टाध्यायी में, जो भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड का ये एक अद्भुत बात है। इस पर मेडिकल साइंस बहुत रिसर्च कर रहा है, लेकिन जो पुराण ने लिखा है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब देखो नई बात है, आप समझिए, 9 महीने माता के गर्भ में बालक जिंदा कैसे रहता, कैसे आप बता सकते हैं कि 9 महीने जिंदा कैसे रहेगा? अब आप सुनिए, इसमें लिखा है, कपिला अष्टाध्यायी में लिखा है, भागवत महापुराण तीसरा स्कंद, और अगर आप इसको पढ़ेंगे गरुड़ पुराण में मिलेगा, ज्योतिष शास्त्र में भी मिलेगा। हम सुना दे, सुन लीजिए, कर्मणा दैव नेत्रेणो जंतुर्देहो पपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणस्य। कर्म के द्वारा प्रकृति पुरुष के संयोग से यह जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, जब माता के गर्भ में 12 घंटे रहेगा तो कललम सलिल हो जाएगा, पंचरात्रेण बुद्बुदम 5 रातों में बलबूला के आकार का होगा। दशा हे न तु करकंधु, 10 दिन में इसका वजन बेर की गुठली जितना होगा। मासेन तू सिरो, 1 महीने में सबसे पहले सिर निकलता है, ध्यान में रखिए, पहले सिर बनता है। द्वाभ्याम बाह्यंग्या अंग विग्रह, 2 महीने में हाथ पैर आंख नाक कान मुंह बन गया। नखलो मास्ति चर्माणी लिंगस छिद्रो भवस्त्र भी, 3 महीने में नाखून रोए स्त्री पुरुष का चिन्हादि बन जाता है। 3 महीने के पहले यह सिद्ध नहीं होगा बेटा है कि बेटी। चतुर्भी धातवा सप्तई पंच भी क्षुत्रियत भव, 4 महीने में 7 धातुएं बलिष्ठ हो गई। पंच भी क्षुत्रियत भव, 5वें में प्राणी नामा काम करने लगा। षड भी जरायुडा वीता कुक्षो ब्राह्म इति दक्षिणे, 6वें महीने में यह जीव माता की दाहिनी कुक्षा में झिल्ली से लिपट के घूमने लगता है। इसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो माता का मलमूत्र इसके मुंह में चला जाता है, अघोर नरक भोगता है। अब इससे बड़ा क्या नरक होगा सोचो आप। और रुरु नाम के कीड़े इसको काटते हैं, माता की स्थिति में परिवर्तन होता है। कटु तीक्ष्णो लवण आदि रुक्षमल आदि भिरुल बड़ई, कड़ुआ तीखा खट्टा ऐसी चीजें माता बहुत खाती है। 9 महीना 10 दिन के बाद प्रसूतिका नाम की वायु ने धक्का मारा तो ये मैया के गर्भ के बाहर गिर पड़ा, और जैसी गर्भ के बाहर गिर पड़ा तो एकदम से बोलता है, कहां 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 वो, कहां जिसे मैं देख रहा था, वो कहां जिसने मुझे बाहर निकाला, कहां। और तब तक घर वालों ने वो थाली कटोरी पीट दिया, तो कहां ना यहां ना वहां, इले उसी दिन से मामला बिगड़ गया। भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव जलकार, जिम जीव जलकार, भूमि परत भा ढाबर बने, भूमि परत भा ढाबर बने, जिम जीवन ही पाया, जिम जीवन के संपर्क में आते ही माया का खेल शुरू हो गया। देखो जैसी जन्म लेकर संसार के व्यवहार से आया और मामला गड़बड़ हो गया। बताओ जन्म के बाद बच्चे को क्या माया, लेकिन देखो माया है, जन्म हो गया है 2-4 दिन का और रोने लगे, कोई ले ले नहीं छुपेगा, और माई ले ले तुरंत चुप जाएगा। देखो इतना उसको ज्ञान हो गया,
और महीना 15 दिन के बाद में घर वालों को भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा, घर के ले तो खुश होगा और कोई ले तो नहीं जाएगा। और साल 15 जब साल में 6 महीने में तो इतना जानने लगा कि नाव लो तो देखने लगेगा, और 1.5-2 साल में तो इतना चालाक हो गया है कि अपनी कटोरी द्वारे पड़ी हो तो तुरंत उठा लाएगा भीतर ले आए, दूसरे की नहीं हो तो नहीं ले जाएगा। बड़ा उसको अपना पराये का ज्ञान हो गया। मानी यहां तक स्थिति बनती चली गई, 5 वर्ष का हो गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।